केवी सर, किसी भी नक्शे में सेंटर निकालना बहुत स्किल का काम माना जाता है। क्या इस कोर्स में मैं सेंटर निकालना भी सीख जाऊंगा? अरे भा, मैं समझ सकता हूँ। प्रॉबेबली मेरी शायद 5-1 साल से जो एब्सेंस रही ये ट्रेनिंग प्रोग्राम से, शायद उस वजह से कुछ ऐसे मिथ डेवलप हो गए हैं कि ये बहुत बड़ा स्किल है, ये बहुत मुश्किल विषय है। मैं यही कहूंगा कि इस वेरी सिंपल, इस वेरी सिंपल। देर आर सर्टन मेथड्स। ये प्रॉब्लम कहाँ आती है? जहाँ एक रेगुलर प्लॉट है वहां तो आप एक कॉर्नर्स को मिला देते हो और यू कैन फाइंड अ सेंटर। तुमने तो इंजीनियरिंग करी है, सो यू अंडरस्टैंड सी जी, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम मैकेनिक्स में उसे वर्कआउट करते हैं। सो इट्स अ काइंड ऑफ फाइंडिंग सी जी ऑफ ऑड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स, यू कैन सी। एक तो ऐसा उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट है ना, जहाँ पर वो बैलेंस होता है। अब ये तो जो इंजीनियर है उसको क्विकली पता चल जाता है, परंतु जो ऑड शेप्ड अपार्टमेंट्स हैं या ऑड शेप प्लॉट्स हैं, वहाँ पर इसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए। इसके लिए कुछ छोटी छोटी मेथोडोलॉजीज डेवलप कर रखी हैं, और मैं तो चाहूँगा कि अभी कोर्स में जितने भी ये ऑड शेप नक्शे आएंगे और जो मैक्सिमम ऑड शेप्ड प्लान्स हैं, उन पे मैंने अपने केस स्टडीज में, अपने केसेस में कैसे सेंटर निकाला, हम वो शेयर भी करने वाले हैं एज एन एग्जांपल केस स्टडीज। और फिर जब थोड़ा सा अभ्यास हो जाता है, 5, 7, 10 जगह पर आप दिशाएं और उनमें रखे हुए ऑब्जेक्ट्स और कलर्स को रिलेट करके उनका मीनिंग ड्राइव करना सीख जाते हो, हम उसे सिम्टम्स मैच करना कहते कि रियल होना चाहिए। इट शुडन्ट बी इमेजिनरी, इट शुडन्ट बी काइंड ऑफ इंटरप्रेटेड वर्शंस, वो रिलेट होना चाहिए। तो जब उसकी प्रैक्टिस हो जाती है ना, तब आप सिंपली सेंटर थोड़ा सा इधर उधर शिफ्ट करके भी जज कर लेते हो प्लान के ऊपर कि नहीं, ये सेंटर एक्चुअली वर्क कर रहा है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ही हो जाता है। तो जो पूछा आपने कि क्या आप सेंटर निकालना सीख जाओगे, मैं समझता हूँ डे 1 ये तो बहुत बेसिक सा है। और जितनी ऑड शेप की जगहें हैं उनको हम वैसे शेयर करने वाले हैं, नहीं तो इतने सारे लोगों के नक्शे होंगे तो जो सबसे ऑड शेप्ड होंगी उनके सेंटर मार्क करना सिखा देंगे। तो ये कोई ऐसा बहुत कठिन विषय नहीं है, आराम से हो जाना। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मेरे जहन में घूम रहा है, वो ये है कि 5 तत्वों का, 5 एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत डीप होता है। क्या इस कोर्स में मुझे ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा? क्या मैं इसे सीख पाऊंगा? ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो पंच तत्वों का कॉन्सेप्ट है ये बहुत डीप है। अगेन इट नीड्स प्रैक्टिस। व्हाट इज प्रैक्टिस? यू हैव टू कैटेगराइज ईच एंड एवरीथिंग इनटू 5 एलिमेंट्स। और उन पंच तत्वों को कैटेगराइज करने की बड़ी फाइन सी डेफिनेशन है, जो पानी के जैसी है, विच फ्लोस। तो जो कुछ भी फ्लो करता है, जिसके ऊपर फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि जो रोड्स हैं, बिकॉज व्हीकल्स फ्लो ऑन द रोड्स, सो दे रिप्रेजेंट वाटर एलिमेंट। और यू कैन से लाइक रिवर, जहां फ्लो है वो वाटर एलिमेंट है। जहां पर एयर है जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो उसका एयर का एट्रीब्यूट क्या है, नेचुरल एट्रीब्यूट क्या है? जब भी एयर हल्की होती है, लाइटर होती है या हीटअप होती है, एयर वो हल्की हो जाती है, थिन हो जाती है, इट गोज अप। सो वॉट एवर गोज अपवर्ड इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ एयर। वॉट एवर बर्न्स और इट हैज अ हीटिंग इन इट और इट क्रंचिज समथिंग, दैट इज क्वालिटी ऑफ फायर। सो कुछ डेफिनेशंस हैं, जो हिलता नहीं है, इमूवल है, प्रोलॉन्ग यूज में नहीं है, दैट इज अर्थ एलिमेंट। सो वॉट एवर कैन गिव अ स्प्रेड आउट वो स्पेस एलिमेंट, बिकॉज स्पेस एलिमेंट अलाउज यू टू स्प्रेड थिंग्स। बट इट
it doesn't move in itself. So whatever boundaries are there, that is whatever is within the boundary, a defined area, is called space. So कुछ technical definitions, उनके आधार पे आप किसी भी object को five elements में translate कर सकते हो. जैसे एक छोटा सा example है, water doesn't give you light, air doesn't give you light, light से मेरा मतलब है रोशनी, earth doesn't give you light, space doesn't give you light, what gives you light? Fire. So whatever illuminates or gives you light is fire element. So like that you have to practice categorizing each and everything in the world in five elements. वो थोड़े से अभ्यास से आ जाता है, पर घर के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, घर के पांच तत्वों में मैं ट्रांसलेट करना सिखाऊंगा, पेंटिंग्स को कैसे ट्रांसलेट करें, डिजाइंस को, पैटर्न्स को हम कैसे ट्रांसलेट करें, और इसके अलावा जो घर की कॉमन यूटिलिटीज हैं उनको हम कैसे ट्रांसलेट करें फाइव एलिमेंट्स में. तो जो घर का सामान है उसके बारे में हम ओरिएंटेशन दे देंगे. वो एक बार ओरिएंटेशन बन गई. ये बिल्कुल आप ऐसा ही सवाल पूछ रहे हो कि क्या मैं कलर पहचानना सीख जाऊंगा. अरे जब पता चल गया रेड किसे कहते हैं, ग्रीन किसे कहते हैं, येलो किसे कहते हैं, तो बिल्कुल आ जाएगा. उसके बाद तुम थोड़ा थोड़ा रिलेट कर लोगे कि भाई इसमें थोड़ा येलो और रेड मिला होगा तो ये ऑरेंज है. सो इट्स जस्ट लाइक दैट, इट्स क्वाइट सिंपल. कि सर एक एक सवाल है जो बहुत टाइम से मुझे क्यूरियोसिटी है जिसकी जिसके प्रति. इंटरनेट पे हम लोग सब देखते हैं और पढ़ते हैं और सुनते हैं कि वास्तु दोष होता है कुछ, वास्तु दोषा. व्हाट एग्जैक्टली इज वास्तु दोषा? वास्तु मींस हैबिटेबल प्लेस और बिल्डिंग, एंड दोषा मींस विकार. विकार यानी दोष होने का अर्थ है कि वो अपनी नेचुरल स्टेट से कुछ हटा हुआ है, उसको हम बोलते हैं विकार. और जो अपनी वास्तविक शेप में है उसको हम कहते हैं आकार, और जिसको आपने मैनिफेस्ट करना है उसे हम कहते हैं साकार. तो कोई आकार से कुछ साकार हो सकता है. आकार का अर्थ है जो अपनी नेचुरल स्टेट में है, अपनी नेचुरल फॉर्म में है, और विकार का अर्थ है जो डेविएटेड स्टेट. So, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, एक नेचुरल ट्रेट्स हैं डायरेक्शंस के. साउथ ईस्ट डायरेक्शन का फायर एलिमेंट है विच इज फिक्स्ड. अब अगर वहां पर वाटर एलिमेंट ऊपर से ऐड हो गया, और ये कॉन्ट्राडिक्टरी है फायर और वाटर, और ये कॉन्ट्राडिक्टरी है फायर और वाटर, तो अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन साउथ ईस्ट में है तो उसका नेचुरल गुण है मनी, और वो कॉन्ट्राडिक्शन है चूंकि वहां पर एलिमेंट्री कॉन्ट्राडिक्शन है, तो वो मनी के मामले में, पैसे के मामले में कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आनी शुरू हो जाएगी. ये जो एलिमेंट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उस वजह से वो स्टेट डेविएटेड स्टेट है अपनी नेचुरल स्टेट से. तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स इन डायरेक्शंस वर्सेस फाइव एलिमेंट्स इज कॉल्ड वास्तु दोष. कि घर के अंदर ये विकार है, जैसे शरीर में कहते हैं कि वात बढ़ा हुआ है यानी वायु बढ़ी हुई है, पित्त बढ़ा हुआ है यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई है. अपनी नेचुरल स्टेट से अगर इन्फ्लेमेटरी स्टेट बढ़ गई तो हम उसे कहते हैं कि ये बीमार है. आयुर्वेद में उसे कहते हैं ये त्रिदोषों का विकार है, ये दोष है. तो वास्तु में दोष होने का अर्थ सिर्फ इतना सा है कि जहां कॉन्ट्रडिक्टरी या इम्बैलेंस्ड स्टेट है, दैट इज कॉल्ड वास्तु दोषा.